अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वसो फूड। आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज़ स्टिक्स। तो सबसे पहले हमने 6 आलू लिए हैं और उसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। आलू हमारे अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, अब मैं इसको अच्छा सा कर दूंगी मैश। खूब अच्छा सा हम इस तरह से मैश करेंगे, फाइनली बारीक हमें करना है, कोई इसमें गुठली ना रह जाए। अच्छा सा हमारा ये मैश हो चुका है। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ओरिगैनो एसल, 2 टेबल स्पून भरकर आप पार्सल ले सकते हैं, या फिर हरा धनिया लिया है मैंने, आप कोई भी चीज़ जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून से कम कुटी मिर्च, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, इसकी करेंगे अच्छी सी मिक्सिंग। इसको हम हाथ से करेंगे, एक डाल दूंगी मैं इसमें अंडा, आपका अगर पतला हो जाए तो आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर और इस्तेमाल करूंगी। तकरीबन हमारे ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और लिया है मैंने कॉर्न स्टार्च, तो इसको करेंगे हम अच्छी सी मिक्सिंग, बहुत फाइनली बहुत अच्छी सी करेंगे हम इसकी। 100 ग्राम से ज़्यादा मेरे पास ये चेडर चीज़ है, चेडर चीज़ डालेंगे हम इसमें, इसकी करेंगे अच्छी सी मिक्सिंग। चेडर चीज़ में हमारा तार ज़्यादा लंबा बड़ा बनता है इसका जो खिंचता है, तो हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये देखें इस तरह से हमें चाहिए, 5 मिनट का हम रेस्ट देंगे इसको। हमारा ये अच्छा सा तैयार हो चुका है, अब मैं इसको दे रही हूँ 5 मिनट का रेस्ट। 5 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम लेंगे 3 तरह तैयार करेंगे। ये हमारे अच्छे से तैयार हो चुके हैं, इसको करूंगी मैं ओवन। मैंने लिया है इसमें पेपरिका पाउडर और ऑलिव ऑयल, इस पे हम इसकी ब्रशिंग करेंगे। सब पर अच्छी सी ब्रशिंग करके मैं इसको कर दूंगी ओवन, बाकी हम बाकी करेंगे फ्राई। चलें ये हमारे सब तैयार हो चुके हैं, मैं इसको रखती हूँ 5 मिनट के लिए, उसके बाद करती हूँ ओवन और करते हैं हम दूसरी फ्राई की तैयारी। सभी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, वो मैंने ओवन के अंदर रख दिए हैं, ये मैं करती हूँ फ्राई। इसको हम करेंगे फ्राई, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये हमारे चीज़ स्टिक बड़े मज़े के बनते हैं, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं। सभी हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त देखें। हमारी ये सब अच्छी सी फ्राई हो चुकी हैं देखें, अब मैं इसको निकाल दूँ प्लेट में।
दूसरी साइड होती हैं तो मैं इसको निकालती हूँ। अवन की हमारी तकरीबन रेडी हैं। ये मेरी अवन में मैंने रोस्ट की है और ये मेरी है फ्राई। अब इनको निकालते हैं हम प्लेटर में। हमारी ये दोनों तैयार हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, मेरी चीज़ भी आ रही है इसमें। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, रमज़ान के लिए भी ये रेसिपी अच्छी है और बच्चे भी वैसे भी शौक से खाते हैं, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। मिलेंगे फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।